इसके लिए हमने लिया है 2 कप ताजा दही, चीनी 3 चम्मच, इलायची का पाउडर आधी छोटी चम्मच, 5 से 7 बादाम कटे हुए, 5 से 7 पिस्ता कटे हुए। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और एक यहाँ पर हमने सूती कपड़ा या रुमाल ले लिया है, जिसका कोई कलर ना निकले ऐसा कपड़ा लेना हमें, और इस बाउल के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे गहरा करके। और जो हमने दही लिया है उसे हम इस कपड़े के ऊपर डालेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दही हमें ताज़ा यूज़ करना है, खट्टा नहीं रहना चाहिए दही। सारा दही हमने कपड़े पे डाल दिया है, तो अब कपड़ों के चारों किनारों को हम पकड़ेंगे इस तरह से, और इसका सारा पानी हम दही का निचोड़ लेंगे। और इस तरीके से हम इसे दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे दही का, दोनों हाथों से दबाएंगे इस तरह। दही का पानी हमने निचोड़ दिया है, और अच्छी तरह से दही का सारा पानी छटाने के लिए हम कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे और इसको किसी नल पर टांग देंगे या किसी बर्तन के ऊपर हम रख देंगे तिरछा करके, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं और जो हमारा दही था उसका पानी भी अच्छी तरह छट चुका है, तो टांगने के बाद थोड़ा सा और हम दबा देंगे इसको, तो जो भी पानी होगा वो थोड़ा बहुत निकल जाएगा। दही का सारा पानी हमने निचोड़ दिया है, तो अब हम इस बाउल को साइड कर देंगे और एक हम दूसरा बाउल लेंगे और इस तरीके से इसको खोलेंगे। और इस दही को हम इस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। बंधा हुआ दही हमने एक कटोरे में निकाल लिया है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच, और इन दोनों चीजों को हम मिक्स करेंगे। आप चीनी की जगह इसमें पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल चीनी की जगह हम इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। चीनी को डालने के बाद हमने दही को 2 से 3 मिनट तक फेंट लिया है, जिससे हमारा दही भी अच्छी तरह से फिट गया है और हमारी चीनी भी घुल गई है। और अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए बादाम, थोड़े से पिस्ता, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हैं, पर आज हमने बिना दूध डाले ही इसे बनाया है। वैसे तो पिस्ता बादाम श्रीखंड व्हाइट ही बनता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर या केसरी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा केसरी फूड कलर डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इससे अच्छा कलर आएगा हमारे श्रीखंड में। हमारा पिस्ता बादाम श्रीखंड तैयार हो गया है, तो यहाँ पर हमने एक कुल्हड़ लिया है, आप कोई भी कुल्हड़ ले सकते हैं या कोई भी कटोरी ले सकते हैं, तो इसमें हम अपने श्रीखंड को फिल कर देंगे। पिस्ता बादाम श्रीखंड को हमने एक कुल्हड़ में फिल कर लिया है, तो अब हम इसे गार्निश कर देते हैं थोड़े से बादाम और पिस्ता के साथ। पिस्ता बादाम श्रीखंड हमारा तैयार है, और आप इस गर्मियों में इस श्रीखंड को एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।